हाई कोर्ट की तरफ से फटकार किस मामले पर वो भी शेयर करेंगे शाहीन बाग में जिस तरीके से इंक्रोचमेंट का काम चालू हुआ जैसे भी बुलडोजर जाए आए उसके बाद किस तरीके से हंगामा हुआ गोदी मीडिया के पत्रकार किस तरीके से इस खबर को दिखाने की कोशिश करने लगे किस तरीके से उनकी ट्रोलिंग होने लगी साथ ही साथ शेयर करेंगे छोटी बड़ी अपडेट्स इस वीडियो में शुरुआत करेंगे आपके साथ के मुनवर फारूक जीत चुके हैं लॉकअप सीजन वन का वो शो लेकिन इसके बाद जिस तरीके से हिंदू मुसलमान होता देखा जा रहा है पायल राहोदगी जो कि रनर अप थी उन्होंने जिस तरीके से अपने इंस्टाग्राम पर ये सब कुछ शेयर करना शुरू कर दिया जिसके अंदर एक लड़की जो है वो भड़काती दिखाई दे रही है कहती सुनाई दे सकती है सबको कि किस तरीके से मुनावर फारूकी वो शो जीता है और ये मुनवर फारूकी कोई और नहीं है ये वही है जिसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था साथ साथ आगे और भी कुछ शेयर करती हैं पाहल रो अपनी स्टोरी में इंस्टाग्राम की आपकी स्क्रीन पर जिसके अंदर मुनवर फारूकी जो है वो कॉमेडी कर रहे थे एक शो में थे जिसके अंदर उन्होंने कॉमेडी के लिहाज में जो है वो कुछ बातें कही थी जिस पर वो कहते हैं लिखते हुए कि इस चमन ने पूरे शो में बेड पर लेटे रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया बट स्टिल दे गिव ट्रॉफी टू दिस चीप डर्टी माइंडेड गाय फॉर मी एंड फॉर ऑल हिंदूस पायल रोहतगी इज द ट्रू एंड Fearless विनर ऑफ द शो शी डजंट नीड योर वैलिडेशन यानी पायल रोहतगी पूरी तरीके से उतर चुकी हैं कम्युनल प्रोपेगेंडा करती हुई दिख रही हैं अपने Instagram के

मतलब हम ये समझ लें कि अगर भारत में मुस्लिम की आबादी जिस दिन 40 परसेंट यहां चालीस परसेंट से भी ज्यादा हो गई उस दिन से हिंदुओं का पतन शुरू हो जाएगा और भारत की सरकार भी हिंदुओं को नहीं बचा पाएगी यहां पायल रोहादगी ने इसी चीज को शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर तो यहां एक शो वापस से हिंदू मुसलमान होता देखा जा रहा है लेकिन लोग यह भी भूल रहे हैं कि उस शो में कंगना रावत भी थी जिन्होंने खुद वो ट्रॉफी फारूकी को दी थी साथ 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 करें आपके साथ कि दिल्ली पुलिस को किस तरीके से फटकार लग रही है विवाद खड़ा करा आरोप ये था उस रैली के ऊपर कि वो जिस तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर के डीजे बजाने लगे रोकने पर भी नहीं रुके पलट करके पथराव किया सामने वालों ने यहां से उन्होंने पथराव किया और दंगे की शक्ल ले ली लेकिन कोर्ट ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट के फटकार पूछा बिना इजाजत कैसे निकला जुलूस यानी यह तो साफ हो जाता है कि वो दो, दो रैलियां शुरुआत में निकली थी वो तो पुलिस की इजाजत से निकली थी लेकिन तीसरी पुलिस की बिना अनुमति के तो पुलिस ने ऐसा क्यों होने दिया पुलिस के ऊपर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और साथ ही साथ एक और अपडेट आ रही है धर्म संसद हेट स्पीच मामले पर हम सभी को पता है किस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से एक इवेंट रखा गया जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें कही गई कि मारने और काटने की बात हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और उस विवाद पर उस वीडियो पर उस वायरल वीडियो पर जिस तरीके से पुलिस जब, जब सवाल पूछा गया कोर्ट की तरफ से तो पुलिस ने साफ पहले इनकार किया कि नहीं ऐसी कोई समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब क्या किया दिल्ली पुलिस ने आपकी स्क्रीन पर धर्म संसद हेट स्पीच मामला सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने किया यूटर्न दर्ज की एफ मतलब जो वीडियो पहले हेट स्पीच नहीं लग रहा था कुछ और इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला हेट स्पीच मामला है मामला दर्ज कर लिया दूसरी अपडेट में शेयर करूं आपके साथ कि बाग में आज डिमोलिशन की ड्राइव थी जिसके अंदर हमने देखा कैसे जेसीबी बुलडोजर एमसीडी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे और वहां से जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उसको हटाने लेकिन बात यहां ये यह है कि आरोप यह है कि ये जेसीबी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है हर बात पर यह जेसीबी क्यों आ रहा है यहां वहां के लोकल लोगों का बयान है कि ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश देश भर में ये मैसेज फैलाने की कोशिश कि हम मुसलमान

अभी ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम्युनलाइज करना चाहती है इस पूरे मामले को और साथ ही साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा अपने इंटरव्यू में कि सब कुछ कम्युनलाइज करने के लिए है और एक मैसेज देने के लिए है कि कैसे हम मुसलमान मुसलमानों को जो है उनके घरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे भी बुलडोजर भेज रहे हैं तो ये एक पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं इसके अलावा वहां कुछ भी ऐसा इलीगल नहीं था जिसको हटाया गया हो कोई भी एक ईट हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला लेकर के बुलडोजर लेकर के मीडिया लेकर के फौज फाटा लेकर के आप देश को ये संदेशा देना चाहते हैं कि हम लोगों का घर तोड़ रहे हैं दरअसल यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं था और यह सिर्फ और सिर्फ सियासी तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का मकसद अतिक्रमण हटाना नहीं है सोशल मीडिया पर हंगामा चला इस हद तक कि कुछ वीडियोस बाहर आने लगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग जो हैं वो ये वीडियो शेयर करने लगे आपकी स्क्रीन पर चल रही है जिसके अंदर एक पत्रकार है एक रिपोर्टर है जो की लोगों से सवाल पूछ रहा है नमाज के बाद जो लोग वहां से निकल के आ रहे हैं उनसे पूछ रहा है कि आप कहा से आए हुए हैं ज्यादातर लोग बांग्लादेश के हैं अमूमन लोग बांग्लादेश के हैं जो बंगला भाषा में बात करना जानते हैं उन्हें हिंदी नहीं आती उनसे सवाल पूछ रहा है कि आप कहाँ से हैं कैसे आए हैं ये सब सवाल पूछ रहा है भैया आप आप कहां से आए हैं बांग्लादेश से आप आप लोग कहां से आए हैं बांग्लादेश से आप लोग से से हैं सर कहा आप आप तो की कोशिश की जा रही है कि शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह ये लोग हैं क्योंकि भाजपा के जो जुड़े लोग हैं वो इसी को इसी तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर अश्विनी उपाध्याय है वो कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की सौ संपत्ति जब्त करने और 20 से 25 वर्ष कार्रवाई देने के लिए कानून बनाना आवश्यक है मतलब यहां शा, बाग में जो लोग रह रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने काफी चीजें जोड़ी उसके अंदर कि ये लोग जो है वो बांग्लादेश और रोहिंग्या है घुसपैठिया है और किस तरीके से इन्होंने वहां पर अपना जमावड़ा रखा हुआ है तो रिपोर्टर ये खुलासा करता है लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में वहां पर इस तरीके की घुसपैठ है कि नहीं है यहां कुछ लोगों ने यह शेयर किया कि क्या आपने जुमे जुम्मे की नमाज वाली रिपोर्टिंग देखी है लोग वायरल कर रहे हैं इस वीडियो को इसी बयान के साथ कि कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां के बसे हुए हैं पत्रकार लड़ते दिखाई दे रहे पत्रकार ये कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेशियों का भारत में आना विद वैलिड वीजा और पासपोर्ट मना हो गया है यहां असल मामला जुड़ा हुआ है इस बात से कि ये लोग जो बांग्लादेशी हैं इस वीडियो के अंदर ये लोग यूरोप की एक कंट्री नाम है माल्टा उसके वीजे के लिए आए हुए हैं और हमने जब मामा जुबेर से बात करी तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी कि वो बांग्लादेशी बांग्लादेश से फ्लाइट से आए हैं दिल्ली में है माल्टा की एंबेसी और वीजा के लिए वो वहां रुके हुए हैं वीजा उन्हें बांग्लादेश में नहीं मिला क्योंकि बांग्लादेश में माल्टा की एम्बेसी नहीं है इस बयान के बावजूद हमने माल्टा की एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर तलाश करी तो हमें बांग्लादेश में कोई भी माल्टा की एम्बेसी नहीं मिली इसका मतलब यह है कि जो बांग्लादेशी बांग्लादेश से दिल्ली में आकर के रुके हुए हैं कुछ बीस दिन से कुछ दो महीने से वो वीजे के इंतजार में है कि माल्टा का वीजा उन्हें मिलेगा वो लेकिन बांग्लादेश में नहीं है माल्टा की एम्बेसी जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में रोकना पड़ रहा है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि कैसे वहां पर घुसपैठ है पत्रकार ये कह रहे हैं कि वो जॉब के लिए माल्टा जाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें एम्बेसी जाना था माल्टा की और इसलिए वो यहां आकर के रुके हुए हैं वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को जिस तरीके से रखा जा रहा है गोदी मीडिया के काफी पत्रकार ट्रोल भी हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सुशांत सिन्हा यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ ने शाहीनबाग में बुलडोजर नहीं चलने दिया भीड़ ने सी एन आर रोक दी भीड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे रोक दिया भीड़ ने कृषि कानून नहीं होने दिया जबकि एक बहुत बड़ी भीड़ चुपचाप सब देखकर सोच रही है कि देश भीड़ तंत्र से चलेगा या संविधान से अब ट्रोलिंग इस हद तक हो गई कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से लोग जो जबान का इस्तेमाल करते हैं यहां उन्होंने किया कि दलालों की भीड़ ने बेरोजगारी का मुद्दा गायब कर दिया दलालों की भीड़ ने महंगाई का मुद्दा गायब कर दिया दलालों की डूबती अर्थव्यवस्था का मुद्दा गायब कर दिया दलालों ने डीजल पेट्रोल एलपीजी के मुद्दे गायब कर दिए दलालों ने देश का भविष्य बर्बाद कर दिया यह देश दलाली से चलेगा या ईमानदारी से तो सोशल मीडिया पर हम देख सकते हैं

राजस्थान के अलवर में जो मंदिर टूटा और मंदिर भी किसके कहने पर टूटा किसके आदेश पे टूटा वो भारतीय जनता पार्टी के उसके अंदर आता है भारतीय जनता पार्टी उसको कंट्रोल करती है उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर टूटना चाहिए तो मंदिर टूटा इस बात का पूरा का पूरा आरोप अमन चोपड़ा ने कांग्रेस की सरकार पर लगा डाला और कहा कि क्या जहांगीरपुरी का बदला लिया जा रहा है महादेव के जो मंदिर है उसको तोड़कर अमन चोपड़ा ने अजीब और गरीब वो पूरा शो कर डाला जिस पर काफी विवाद छड़ा पत्रकारों ने ने रोका भी कि आपने जो ये इसके अंदर दावे किए हैं दलीलें दी हैं पूरी तरीके से फर्जी है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कहीं ना कहीं कनेक्टेड था वो जिसने वो ऑर्डर पास किया और जब वो ऑर्डर पास हो करके उस मंदिर को तोड़ा गया तो अमन चोपड़ा ने इसको जहांगीरपुरी से जोड़ा जबकि ये मंदिर टूटने वाली घटना 18 अप्रैल की और जहांगीरपुरी 20 तो बदला कैसे ले सकती है दो दिन पहले और बीजेपी क्यों लेगी यह भी बड़ा सवाल है तो अमन चोपड़ा के ऊपर मामले दर्ज हुए राजस्थान में और उसके बाद उन्होंने शो में आना बंद कर दिया और उसके बाद हुआ यह कि अब पुलिस उनको खोज रही है उनके घर भी गई लेकिन मिलने को वो तैयार नहीं यहां हम देख सकते हैं किस तरीके से अमन चोपड़ा के शो में जो न्यूज एटीन जिसके अंदर वो काम किया करते थे उसके अंदर उनके लिए आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा ट्रेंड करवाने की बात हो रही है और कुछ पत्रकार उनकी ट्रोलिंग भी कर रहे हैं यहां न्यूज एटीन के शो में भारतीय जनता पार्टी भी अमन चोपड़ा के सपोर्ट में आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे जो है चौथा स्तंभ जो डेमोक्रेसी का है उसे नुकसान उस पर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना काफी काफी तारीफ है और साथ ही साथ यहां जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्री स्पीच है ना इसे रोकने की कोशिश की जा रही है और अमन चोपड़ा से वो कहते हैं यानी डांसिंग पत्रकार है प्रदीप भंडारी नाम है इनका और कहीं ना कहीं इन्होंने अमन चोपड़ा का सपोर्ट किया है और कहा है कि स्टे स्ट्रांग अमन ट्रूथ विन शो में तो ये कितना फर्जी दावा कर चुके थे लेकिन ट्रूथ विन विन ये देखा जाएगा जब वो सामने आएंगे इसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने घेरना शुरू करा और यहाँ देख सकते हैं कि प्रशांत शुक्ला हैं और ये पत्रकार रह चुके हैं दैनिक भास्कर के एडिटर जी मीडिया से भी जुड़े हुए थे इन्होंने एक ट्वीट कर दिया इसी शो पर न्यूज 18 के जहां न्यूज 18 के लोग मांग कर रहे थे ऑडियंस से कि आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा ट्रेंड करवाएं आप ट्विटर पर तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा चंगाई ना मानसिकता के एक टीवी प्रेजेंटर के लिए एक राष्ट्र मीडिया चैनल हैशटैग चलाने और उसको वायरल करने की अपील कर रहा है आमन चोपड़ा नाम से एक व्यक्ति की उपलब्धि बस इतनी है कि वो सरकार तेल से सरोवर है वरना चार साल पहले एक चैनल की कैंटीन में कोने में खड़े होकर के लंच करता था लोग ये भी पूछने लगे कि क्या वाकई में अमन चोपड़ा दंगा भड़काने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे लोगों ने शेयर कर दिया कि वो खुद नहीं पूरी की पूरी फैक्ट्री चलती है या आपकी स्क्रीन पर शेयर किया कि वो जो शो करते हैं देश नहीं झुकने देंगे उसके अंदर किस तरीके से वो थमनेल का इस्तेमाल करते हैं टाइटल का इस्तेमाल करते हैं आपकी स्क्रीन पर हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन सड़क पर नमाज मजहब या मनमानी हिंदुत्वा से डराएंगे हिंदू हो जाएंगे योगी राज में हिंदुओं के अच्छे दिन देश की हार बिल से निकले गद्दार मस्जिद नहीं जली अफवाह कैसे फैली हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े हिंदू के दर्द पर किसका झाड़ू हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ तो जिस तरीके से सांप्रदायिक शो वो करते हैं जिसके अंदर वो ज़्यादातर कम्युनल ही टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमेशा से जो है एक समुदाय के ख़िलाफ़ वो बयानबाजी करते रहते हैं अपने शो में इसका आरोप उन पर लगा भी है और सोशल मीडिया पर यही शेयर किया जा रहा है कि वो खुद नहीं पूरी की पूरी फैक्ट्री चला रहे थे और अभी वो कहाँ है इसका पता अभी तक नहीं चला जैसे पता चलेगा आपको अपडेट करेंगे आपकी क्या राय है इन सारी अपडेट्स पर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें